काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ हमारे सहपाठी मेरे दोस्त और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी हैं। मैं उनसे दोनों परिवार के हैं पर आज मैं एक जर्नलिस्ट का के रूप में हूं और एक ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में। आदरणीय उमंग जी, लगातार बहुत सी बातें आती है कि आप में और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी में ग्रुपिज्म है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग यूथ को प्रदेश में पढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाती है, उनको लग रहा है कि नया यूथ जाग रहा है, आगे आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। दोनों भाई है और कॉलेज स्कूल के समय से साथ में राजनीति कर रहे हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करता। अच्छा, आप जब से सीएलपी बने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, एक सवाल जनता के मन में, मीडिया के मन में है कि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, कुछ लोग जो मेरे को लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे पचौरी जी 75 साल में छोड़ रहे, राम निवास जी पे इतने कर्जे हो गए तो कर्जे पूरने के लिए छोड़ रहे, तो सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं हो गई है पार्टी से। जितु आजकल लोग सब अपनी आस्था रखने के बजाय व्यक्तिगत आस्था रखने लगे, तो ये बड़ा दुख की बात है। पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता, उसको देख कर हमें चलना चाहिए, जब जाके पार्टी मजबूत रहती है। तो आपका इससे पार्टी का नुकसान, जब ये लोग जा रहे हैं तो पार्टी का तो नेचुरल नुकसान तो हो रहा है, इसमें क्या कहना? मेरा तो कहना है कि हर विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है, हजारों लोग हैं, कई बड़े नेता हैं जो बनना चाहते हैं, हम मौके उनको मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी विधानसभा में कमी की बात है। अगर बीजेपी का भी एक सवाल बिल्कुल बार बार होता है, आपकी बार 29 बार, तो ये क्या मैसेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी, पहले 28 हमारे पास, अब की बार 29 बार की बात करते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? 29 बार तो ये सपना दिखा रहे हैं, जैसे देश में 400 पार का सपना दिखा रहे हैं, जब 40 पार्टी की बैसाखियों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे होगा? ये तो देश की मुख्य मुद्दों से अलग ध्यान भटकाना चाहते हैं। स्वाभाविक हर किसान चाहता है कि मेरा कर्ज माफ हो, और जिस प्रकार से किसान को बाजार का भाव नहीं मिलता है, तो हर किसान चाहेगा, हर बहन चाहेगी कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, लेकिन हम कानूनी गारंटी देना चाहते हैं 8,500 रुपये हर बहन को मिले। तो ये निश्चित तौर से ये योजना देश के लिए आगामी समय में, और युवाओं के लिए जिनको 1,00,000 रुपये एक इंटर्नशिप के लिए देना है, निश्चित तौर से एक मील का पत्थर साबित हो। और आज हम लोग जोबट हैं, गुजरात मजदूरी पर कई आदिवासी परिवार जाते हैं, तो ये 400 रुपये की जो गारंटी, कानूनी गारंटी हम कांग्रेस दे रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर पलायन खत्म होगा। ये एक इस लोकसभा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, चाहे धार लोकसभा हो चाहे खरगोन लोकसभा हो, तो निश्चित तौर से 400 रुपये अगर मजदूरी यही मिलेगी आदिवासी को, तो अपना परिवार छोड़ के नहीं आएगा, अपने बच्चे को अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी योजना। देखिए, आज की तारीख में हम बराबर की टक्कर में हैं, 10 से 15 सीटों पे हम लोग बराबर की टक्कर में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में रहेगी और कार्यकर्ताओं का या जनता का मनोबल निश्चित तौर से आने वाले समय में बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।